यशायाह अध्याय सात। यशायाह अध्याय सात। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम का राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह, इन्होंने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई तो की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे बन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर ऊपरली पोखरे की नाली से सीरे पर धोबियों के खेत की सड़क पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह कि सावधान रह और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन के और आरामियों के भड़कते हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि आरामियों को और रमल्याह के पुत्र समेत एफ्राइमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वंश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एफ्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एफ्रेम का बल टूट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तब फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा की कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वह मक्खन और मधु खाएगा जब तक कि वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, जिस देश के दोनों राजाओं के विषय में तू घबरा रहा है वह निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, और अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो कि मिस्र की नहरों से उधर रही है और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों के दरारों में और सब भटकटियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांव के रोए मूंडेगा, उस छुरे से दाढ़ी भी पूरी मूंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और दो भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में हजार टुकड़े चांदी की हजार दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटिले ही कटिले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटिले पेड़ हो जाएंगे और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सबों पर कटिले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। यशायाह अध्याय आठ। यशायाह अध्याय आठ। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख,
की महर्षाला लाबज के लिए और मैं विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात उरियाह याजक और मेबेरक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। और मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्षाला लाशबश रख, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बापू और अम्मा पुकारना जाने दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। फिर यहोवा ने मुझसे दूसरी बार कहा कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसिन के और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा। वह अपने सब नालों को भर देगा और अपने सारे कड़ाड़ों से छलक कर बहेगा और वह यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा और गले तक पहुंचेगा। हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे लोगो, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो तो कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने से मुझे मना किया और कहा कि जिस किसी बात को यह लोग राजद्रोह की गोष्ठी कहे, उसको तुम राजद्रोह की गोष्ठी न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह आराधनालय होगा परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा, और उनमें से बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और चकनाचूर होंगे और फंदे से फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, और मैं उस यहोवा की जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाता है बाट जोहता रहूंगा और उसी पर अपनी आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए हुए रहता है इस्राएलियों के चिन्हों और चमत्कार और आश्चर्य के लिए हूं। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनोहों के पास जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं जाकर पूछो, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वरी के पास जाकर न पूछना चाहिए, और क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पह न फटेगी और वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और यह होगा कि जब वह भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। फिर पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे तो उन्हें अचानक देख पड़ेगा कि सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही है, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। नीतिवचन अध्याय 12। नीतिवचन अध्याय 12। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता वह ज्ञान ही में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का
मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों में सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है परंतु बढ़ाई मारता रहता है, उसके दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के प्रति भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्टजन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चूपता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाज लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला, और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अश्शूरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उसने बेर्शेबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर में न्यायी ठहराया, और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को
यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया और वे यरूशलेम को लौटे और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो चाहे व्यवस्था का अथवा किसी आज्ञा या विधि व नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो। ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमर्याह महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांधकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा।